खबर अलवर की भिवाड़ी से है, जहां यूआईटी फेस थाना क्षेत्र में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत पुलिस ने बाल श्रम करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी के तहत पुलिस और मानव तस्करी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री से 26 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है और साथ ही फैक्ट्री में तैनात फॉरमैन हीरालाल को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल फैक्ट्री के मालिकों की तलाश जारी है। आज सुबह मेरे पास फोन आया था बचपन बचाओ आंदोलन के अधिकारी ओम प्रकाश जी का। उन्होंने बताया कि मैडम भिवाड़ी में बाल श्रम हो रहा है बड़े लेवल पर, तो मैं अपनी जाप्ता लेकर कंपनी पहुंची, जो कंपनी का नाम है शक्ति इंडस्ट्री, ये फेरथड इलाके में पड़ती है। वहां पर जाकर देखा तो काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे, छोटे बच्चे काम कर रहे थे, जिनको हमें उसी कंपनी के अलग अलग सेक्शन से रेस्क्यू किया गया था, जहाँ से पाउडर भी मिला। बच्चे भारी भरकम काम कर रहे थे, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। हम वहाँ से उन बच्चों को रेस्क्यू करके लेके आए और अभी थाने पर कार्रवाई चल रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। राजेश, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जयपुर से भिवाड़ी पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों से कार्य करवाया जा रहा है, जिसपे मानव तस्करी विभाग के प्रभारी अखिलेश ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और शक्ति इंटरप्राइजेज कंपनी है भिवाड़ी के यूआईटी फेस थाना क्षेत्र में, वहां पे जाकर के उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है और लगातार, क्योंकि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो इन पर दबिश देकर इन पर कार्रवाई करना बिल्कुल जरूरी होता है।